और आपको बताते हैं, संदिग्ध आतंकियों का नेटवर्क खंगाल रहा एटीएस। जी हाँ, कुछ दिनों पहले भोपाल में आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। 6 आतंकी संदिग्ध जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के हवाले से ये बात है कि संदिग्ध आतंकियों का नेटवर्क खंगाला जा रहा है। एटीएस नेटवर्क को खंगाल रही है। एमपी के अलावा 3 राज्यों में एटीएस का सर्च मिला है। सूत्रों के हवाले से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां दलालों की मदद से भारत में घुसे संदिग्ध आतंकी। आपको बता दें, भारत में एंट्री के लिए दलालों को 4,000 रुपए भी दिए गए थे। सूत्र कह रहे हैं, आतंकी जहूरुद्दीन 2 साल पहले भी भारत आया था। पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकी कंप्यूटर एक्सपर्ट बताए गए हैं। ये तमाम जानकारियां हम आपको सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं, जहां मदद करने वाले 5 लोग हिरासत में हैं। और हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जुड़ गए हैं, प्रदीप तलरेजा, खबर भारत से। हम चर्चा करेंगे प्रदीप से। प्रदीप, जिस तरह से ये सूत्रों के हवाले से सारी जानकारी हमें मिल रही है, लगातार 5 लोग जो मदद करने वाले थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल, जिस प्रकार से ये पूरी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि जो 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए, संदिग्ध आतंकियों को जो पुलिस ने, एटीएस ने जो गिरफ्तार किया था, अब लगातार उनके जो सहयोगी हैं उनको कहीं ना कहीं तलाशने में पुलिस पूरी तरह, एटीएस पूरी तरह से लग गया है। सवाल ये है कि किस बड़ी घटना को वो अंजाम देना चाहते थे और किस किस ने उनकी अभी तक मदद, और इनके तार किन किन अन्य राज्यों में फैले हुए हैं, किस प्रकार से ये यहाँ पर पहुंचे, किस प्रकार से इनकी लोगों ने मदद करी, ये कहाँ से इन्होंने पूरी तालीमें हासिल करी, यहाँ की बोलचाल की भाषा या जो अन्य जो चीजें थी उसको लेकर के लगातार एटीएस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। और कार्रवाई में ये देखा जा रहा है कि अभी तक जो है एटीएस के हवाले में तकरीबन 5 लोग जो आए हिरासत में लिए गए, ये हमारे सूत्र जो है ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से बताया जा रहा है, कंप्यूटर एक्सपर्ट है, यहाँ तक कि जिसने किराए से मकान ये दिलवाया था प्रदीप, वो भी गायब बताया जा रहा है कुछ दिन से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सूत्र है वो कहते हुए नजर आए कि जो भी जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो उनको मकान किराया दिलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे उन्होंने कंप्यूटर के जिस प्रकार से एक्सपर्ट होना बताया है, हिंदी की अच्छी जानकारी जो निकल के आ रही है कि हिंदी की जानकारी भी उन्होंने ली रखी, अच्छी हिंदी भी बोलना वो जानते हैं। हाँ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल है, क्योंकि उनको भारत कैसे लाएगा, सबसे बड़ी चीज ये देखी जाएगी कि बांग्लादेश से भारत वो कैसे आए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो ये चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा करने की ओर जो है वो लगातार एटीएस की कार्रवाई चालू है। लगातार इस प्रकार के अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से जो उनके तार हैं वो जोड़कर भी जो है वो देखे जा रहे हैं। लगातार जो 3-4 राज्य हैं जहां जहां उनके नेटवर्क हो सकते हैं, वहां पर एटीएस लगातार जो है इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रही है। लगातार सर्चिंग लगी हुई है कि किस प्रकार से ये यहां पहुंचे, किस किस ने इसकी मदद करी, उन तमाम पहलुओं को देखते हुए एटीएस बड़ी कार्रवाई लगातार कर रही है। बिल्कुल, एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है, और जिस तरह से और जो मदद करने वालों को तो हिरासत में ले ही लिया है, ये एक बड़ी श्रृंखला है, एक बड़ी चेन है, क्योंकि आलिम की तालीम दी जा रही थी, यहाँ तक कि मकान मालिक को भी तालीम देने की खबर, सूत्र कह रहे हैं ऐसा, कि कहीं ना कहीं क्या मकान मालिक भी इन्वॉल्व था, क्योंकि आलिम की जो तालीम है उन्हें भी दी जा रही थी। देखिए, निश्चित तौर पर अभी ये कहा जाना बिल्कुल लाजमी नहीं होगा कि मकान मालिक की इसमें क्या भूमिका है, क्योंकि जब हमने पहले दिन भी उसको देखा कि चूंकि जो महिला है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट उनका रहा है, क्योंकि वो महिला के जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, ये भी जानकारी है कि उस महिला के आगे पीछे कोई नहीं था, तो कहीं ना कहीं ऐसा सॉफ्ट टारगेट को उन्होंने अंजाम दिया है, और इसी सॉफ्ट टारगेट के चलते जो है कहीं ना कहीं मकान मालिक को भी इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि देखिए, मकान लेना है कहीं ना कहीं तो उसके लिए मकान मालिक को कहीं ना कहीं टच में रखना जरूरी होता है, लेकिन जिस प्रकार की ये पूरी दूसरी चीजें निकल के आ रही हैं कि जो जिस युवक ने इनको मकान दिलवाया वो किस बिहाब पे इनको मकान दिलाया, उसका मकान मालिक से किस प्रकार के कनेक्शन थे, ये लगातार ये पूरी जांच का विषय है। लगातार एटीएस इस चीज में लगी हुई है कि जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं वो कैसे आए, कहां उन्होंने क्या क्या उनका टारगेट था, क्या आगे वो करने वाले थे, उसको लेकर के तमाम जो खुलासे हैं
वो एटीएस लगातार करता जा रहा है, लेकिन जो सूत्र हमें बता हमारी जानकारी के अनुसार जो बता रहे हैं कि एक बड़ी चेन जो है वो इस मामले में कहीं ना कहीं संलिप्त है, उसका जल्द ही खुलासा जो है एटीएस करने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो ये कहते हैं कि भनक शायद पहले ही लग चुकी थी अगर पहले ही थोड़ा और सतर्क हुआ जाता, क्योंकि सूत्र ये भी कहते हैं कि आतंकी जो है जहूरुद्दीन जिसकी हम बात करें 2 साल पहले भारत आया था, तो मतलब ये जो एक कहानी जो रची जा रही थी वो 2 साल पहले से शुरू हो चुकी थी। देखिए निश्चित तौर पर जिस हिसाब से सूत्र पूरी जानकारी दे रहे हैं कि जहूरुद्दीन जो था जो लगभग 2 साल पहले भारत आया है, तो कहीं ना कहीं भारत कैसे आया उस चीज को लेकर के अभी तो शुरुआती जांच ये हो रही है कि इनके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं और ये वो किस तारों के माध्यम से भारत पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चेन है जिसका खुलासा जो है एटीएस करेगा, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से ये पूरी चीजें निकल कर रही, चूंकि 2 साल का समय हो चुका है, 2 साल के समय होने के बाद में कहीं ना कहीं कंप्यूटर की पूरी एक्सपर्ट होना, हिंदी की भाषा का पूरा ज्ञान लेना, कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो 2 साल का पीरियड हमने देखा है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उन्होंने छुप कर या किसी अन्य ऐसे जगहों पर पहुंचकर पूरी इस प्रकार की तालीमें उन्होंने हासिल की होंगी, ताकि ये लोगों के बीच में हिंदी भी भाषा का अच्छा सा ज्ञान जो है वो करके जाए, ताकि किसी को ये कहा जा सकता है कि भनक न लगे कि ये विदेशी हैं या दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो इन संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, कहीं ना कहीं पहले तो वो उस परिवेश में आने के लिए कुछ समय कहीं ना कहीं बिताते होंगे, ऐसा जो अनुमान है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल, अब कुछ और खबरें हैं जो आपके साथ हम आपसे जानकारी लेंगे, चर्चा करने वाले हैं। प्रदीप, एक बड़ी खबर, चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, सदन की अगर हम बात करें, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर से लगातार जो 7 मार्च से जो विधानसभा सत्र चालू हुआ था, लगभग उसमें 13 बैठकें होनी थी, लेकिन आज करीबन 8वें दिन ही जो है विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए जो है वो स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामे के चलते लगातार इस प्रकार की बात देखने में आई है। कांग्रेस के जो विधायक है वो सरकार जो विधानसभा अध्यक्ष है उन पर कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए देख रहे हैं कि जो सदन की कार्यवाही जो है वो अभी और लंबी चलनी थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जो है जिस प्रकार से संसदीय कार्य मंत्री के कहने पर विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा जो है वह विपक्ष ने उठाया है और लगातार इस विषय को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो विधायक विधानसभा अध्यक्ष है उनकी भूमिका को भी कहीं ना कहीं जो है विपक्ष जो है आड़े हाथों लेता हुआ देखा जा रहा है। बिल्कुल, इस बार सदन में द कश्मीर फाइल भी छाई रही और 2-3 चीजें हैं इससे, एक तो फिल्म देखने जाएंगे सीएम साहब, कई और मंत्री भी जाने वाले हैं, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा जी ने बधाई भी दे दी लक्ष्मण सिंह जी को फिल्म देखने के लिए, तो सदन में आज पिक्चर छाई रही। देखिए निश्चित तौर पर जब सदन की कार्यवाही सवेरे ही शुरू हुई थी उस दौरान पे जो है लक्ष्मण सिंह ने कहीं ना कहीं द कश्मीर फाइल्स पिक्चर का लेकर के कहीं ना कहीं देखने की बात कही थी। उसके बाद ये चीज देखी गई कि कश्मीर फाइल्स की कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह के करीबी भी देखी गई है, क्योंकि उनकी जो बीवी है वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से आती है और इस प्रकार से जो उनका कहना था कि कुछ दिन पूर्व भी उन्होंने ये बात कही थी कि वो कश्मीर के जो कश्मीरी पंडितों के साथ जिस प्रकार से अन्याय हुआ है और चीजें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसको देख जो दर्श है वो दिखाया जाए, तो लक्ष्मण सिंह ने कहीं ना कहीं ये बात कही थी कि वो विधानसभा जो कश्मीर फाइल्स पिक्चर है उसको देखने जाएंगे। जिसको लेकर के नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री है और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने उसके लेकर के लक्ष्मण सिंह को धन्यवाद भी दिया है, लेकिन साथ साथ दूसरे अन्य जो कांग्रेसी नेता है उनको भी कहीं ना कहीं इस पिक्चर को देखने जाने की जो सलाह है तो वो भी उन्होंने दी है कि एक बार आप द कश्मीर फाइल्स पिक्चर को जरूर देखें। हाँ, जिस प्रकार से ये पूरे जो मामले हैं लगातार शुरुआती दौर तो जो रहा है वो लगभग कश्मीरी फाइल्स के पिक्चर के लेकर के रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ नेताओं ने तो आरोप भी लगाए कि बीजेपी नेताओं की वजह से दरअसल ये जो कश्मीर पंडितों का पलायन हुआ था। और अगर सज्जन सिंह वर्मा के बयान की बात करें सदन में, जो उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो जाए इसके बाद फिल्म देखने चलेंगे, मिश्रा जी की इस बात पर कि सभी को देखना चाहिए, कांग्रेस के सभी नेताओं को और जनप्रतिनिधियों को। देखिए सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री भी हैं और काफी सीनियर नेता भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने सीधी तौर पर अपनी प्रतिक्रिया सदन में देते हुए ये कहा था कि पहले तो जो जनहित के मुद्दे हैं जिसके लेकर के अब सदन लगी हुई है, पहले उन जनहित के मुद्दों को बात कर ली जाए, फिल्म की बात की बात है, लेकिन जिस प्रकार से ये उन्होंने चुटकी लेते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को तरफ इशारा करते हुए कहा था कि जो जिस प्रकार के ये चीजें हैं पहले तो जो जनहित के मुद्दे हैं लगातार जिस प्रकार के जिन मुद्दों को लेकर के हम विधानसभा सत्र के लिए आहूत हुए हैं यहाँ पर पहुंचे हैं वो पहले उन मुद्दों पे चर्चा की ली जाए,
क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखिए विधानसभा का जो सत्र है वो जनता के हितों के लिए, जनता के हित के जो काम होने हैं या उनपे जो जो काम रुके हुए हैं उस पर कहीं ना कहीं पूरी जो पूरे साल भर की जो कसर रहती है वो विधानसभा में देखी जाती है। कहीं ना कहीं प्रश्नोत्तर काल रहते हैं, ध्यान आकर्षण रहता है, संकल्प रहते हैं, ऐसे कई प्रस्ताव होते हैं जो जनता के हितों के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर पहले ही विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से गतिरोध हमने देखा कि जब से विधानसभा सत्र चालू हुआ पहले दिन से ही राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार से यह पूरा विधानसभा सत्र जो है कहीं ना कहीं शुरू हुआ था। क्योंकि ज्योति पटवारी जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं और साथ साथ जो है कांग्रेस के विधायक, उन्होंने सीधे तौर पर राज्यपाल के अभिभाषण की कहीं ना कहीं जो है अवहेलना की थी, उन्होंने सीधे तौर पर इसको बहिष्कार कर दिया था अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, उन्होंने इस चीज को कहा था और नोटिस भी जारी हो गया उनको। देखिए निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार से विधानसभा की जो जो यहाँ की ये कहा जा सकता है कि जो समिति है उसके द्वारा जो है इनको आज नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने के बाद उनसे ये चीजें स्पष्ट की गई हैं कि किस कारण से जो है आचरण समिति ने ये नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा है। लेकिन जिस प्रकार से उनके जवाब नोटिस जारी होने के बाद से ही लगातार कांग्रेस एकजुट होती हुई देखी गई थी। बिल्कुल, और जब नोटिस जारी हुआ तो वो कहते ना कि आरोप प्रत्यारोप और समर्थन ये दौर चलता ही है, तो गोविंद सिंह ने चूंकि नोटिस जारी हुआ तो उन्होंने नियम और कारण भी पूछ लिए इसके कि क्या नियम हो सकते हैं, किस कारण। खैर मुझे लगता है निश्चित तौर पर गोविंद सिंह जो है, गोविंद सिंह लाहर बहुत ही सीनियर नेता कहलाते हैं, कद्दावर नेता कहलाते हैं, भिंड से आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जितना संसदीय ज्ञान उनके पास है वो भी उन्होंने अपने पूरे ज्ञान का हवाला जो है वो उन्होंने दिया है सदन के अंदर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आचरण समिति को ये बताना पड़ेगा किस नियम के धाराओं के अंतर्गत जो है पूरा इन पे जो है इस प्रकार के उनको नोटिस जारी किया है। लगातार खुद जो है कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि जो चूंकि विधानसभा सत्र ये कहता है विधानसभा के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करता है या सदन से उनके जो तरीके रहते हैं, जो उनके अभिभाषण के दौरान के बीच में उनकी मर्यादा भंग की जाती है या उनको बोलने के बीच में बार बार टोका जाता है तो उस समय कहीं ना कहीं इस प्रकार के मर्यादाओं का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन जीतू पटवारी चूंकि उस दिन विधानसभा सत्र पे शुरू होने से राज्यपाल के अभिभाषण को शुरू होने से पहले ही वो ट्वीट कर चुके थे, वो अपने घर पे थे, तो वो किन नियमों के आधार पर किन धाराओं के अंतर्गत में उन पर इस प्रकार के नियम जो है इस प्रकार का नोटिस जारी किया गया है, कांग्रेस लगातार उस पर भी हमलावर बनी हुई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रदीप चलेजा, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत। जिस तरह से विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, कांग्रेस नेताओं ने वॉकआउट किया है और कांग्रेस विधायकों का सदन में विरोध जो हुआ जिसमें लेट कर विरोध जताया गया। जी हाँ, बिना चर्चा के अनुदान मांगों के मतदान पर यह विरोध था जिसमें बैजनाथ कुशवाहा समेत कई और विधायक सदन में लेट गए। फिलहाल के लिए इन खबरों में इतना ही, बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।